नमस्कार, टीवी 20 न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। अब रुख करते हैं खबरों की तरफ। उत्तर प्रदेश शासन के आदेशानुसार मनाए जा रहे प्रदेश स्तरीय भोजल सप्ताह 2022 यानी 16 से 22 जुलाई 2022 का समापन के क्रम में आज अंतिम दिन सेंट जेवियर्स स्कूल आजमगढ़ में प्रधानाचार्य नीलेश श्रीवास्तव की अध्यक्षता में भोजल संरक्षण संचयन करने के संबंध में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भूगर्भ जल विज्ञान विभाग के वैज्ञानिक आनंद प्रकाश द्वारा बताया गया कि भोजल हमारा अमूल्य प्राकृतिक संसाधन एवं सृष्टि के जीवन का मूल आधार है। पृथ्वी पर 29% भूभाग है तथा 71% जल है। 71% जल में से 97% खारा पानी है एवं 3% फ्रेश वाटर है, जिसका 30% ग्राउंड वाटर है, परंतु अविवेकपूर्ण उपयोग तथा रिचार्जिंग के अभाव में गुणवत्ता तथा भंडारण में कमी आ रही है, जिसका मुख्य कारण जनसंख्या वृद्धि एवं अनियोजित विकास है। इसी के क्रम में भूजल अधिनियम 2019 प्रख्यापित किया गया है, जिसके अंतर्गत छिद्रण बोरिंग औद्योगिक आर ओ प्लांट की अनापति हेतु भूगर्भ जल विभाग की विभागीय पोर्टल www.upgwdonline.in पर पंजीकरण करना अनिवार्य है। इसका उल्लंघन दंडनीय अपराध है। उन्होंने बताया कि आजमगढ़ जनपद गंगा का मैदानी क्षेत्र है, परंतु जल की मांग तथा अनियोजित उपयोग के कारण जल स्तर नीचे गिरता जा रहा है। प्रदेश में सन 2000 में केवल 20 विकास खंड सेमी क्रिटिकल श्रेणी में थे, वही नवीनतम आकलन में क्रिटिकल विकास खंडों की संख्या प्रदेश में 105 हो गई है।